तो ब्लैक एडम मूवी फाइनली सिनेमाघरों में रिलीज हो चुकी है। मैंने इसके ऊपर एक वीडियो बनाया जो कि रिव्यू वीडियो है। अगर आपने नहीं देखा तो पहले जाके वो वाला वीडियो देख लो, बाद में ये वाला वीडियो देखना जब आप इस मूवी को देख चुके होंगे, क्योंकि इस वाली मूवी में इसके पोस्ट क्रेडिट सीन और मूवी के थोड़े बहुत स्पॉइलर होंगे, जो कि अगर आपने मूवी नहीं देखी तो आपकी मूवी स्पॉइल हो सकती है। और अगर आपको ऐसे वीडियो देखना पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, पहले कर दो और बेल आइकन भी ऑल पर कर दो और वीडियो शेयर करो। थोड़ा भी वीडियो पसंद आता है वीडियो को लाइक करो। तो सबसे पहले बात करते हैं कि इसके पोस्ट क्रेडिट सीन में क्या क्या हुआ। तो इसके पोस्ट क्रेडिट सीन में उतना कुछ बड़ा तो नहीं हुआ, लेकिन उन्हें छोटी बहुत हिंट दे चुकी है कि ब्लैक एडम और सुपरमैन के बीच में टकराव हो सकता है, जो कि उतना ज्यादा खास नहीं देखने के लिए मिल सकता हमें, और उतना भी जल्दी देखने के लिए नहीं मिलेगा, क्योंकि इन लोगों ने इसे बिल्ड अप बनाई है धीरे 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 करके। ये लोग इस चीज को एक्सप्लोर करेंगे, क्योंकि ये डायरेक्ट ही आपको ब्लैक एडम 2 में और या फिर मैन ऑफ स्टील 2 में सुपरमैन और ब्लैक एडम के बीच में इसे फाइट तो नहीं दिखाने वाले। सबसे पहले ये लोग शज़ाम 2 में अपने ब्लैक एडम का थोड़ा बहुत कैमियो देंगे, बाद में शज़ाम 3 या फिर ब्लैक एडम 2 में शज़ाम उसे ब्लैक एडम को सेटअप करेंगे, और उसके बाद इन दोनों के बीच में फाइट कराएंगे, और उसके बाद सुपरमैन को बीच में आना पड़ेगा, और बाद में सुपरमैन बीच में आके उस जगह पे हो जाएगा ब्लैक एडम और सुपरमैन, और शायद सुपरमैन शज़ाम और ब्लैक एडम इन तीनों के बीच में फाइट हो जाए, जिसमें शज़ाम और सुपरमैन एक साइड हो और ब्लैक एडम अपना अकेला, जो कि हर वक्त अकेला ही है, वो अकेला ही रहे, ऐसे इन सबके बीच में फाइट हो जाए, ऐसा ये लोग कुछ तो बिल्डअप कर सकते हैं। और सुनने में तो ये आ रहा है कि मैन ऑफ स्टील 2 पे ये लोग काम कर रहे हैं डीसी के अंडर, जो कि बहुत ज्यादा अच्छी बात होगी। और इसी कारण इन लोगों ने ऐसा छोटा सा हिंट दिया है, तो ये लोग ऐसे इसे स्टेप बाय स्टेप ऐसे बढ़ाएंगे और उसे एक्सप्लोर करेंगे। ये लोग इस चीज को ऐसे ही एक्सप्लोर नहीं करने वाले। लेकिन मूवी में इन लोगों ने ये कंफर्म नहीं किया कि इस जो यूनिवर्स है ये जॉस्टिस लीग वाला या फिर स्नाइडर कट वाला। जॉस्टिस लीग तो एक अलग यूनिवर्स की मूवी हो चुकी है, लेकिन स्नाइडर कट वो जो कुछ भी है वो वाली सीन मूवी में एक्सप्लोड होगी या फिर पता नहीं, क्योंकि स्नाइडर कट के जो कुछ भी कांड हो चुके थे पिछले वाले मूवीज में उन सब के बारे में सोचे तो इस वाली मूवी में अपना सुपरमैन तो आता है, लेकिन वही पुराना वाला ब्लू वाला कॉस्ट्यूम पहन के आता है। लेकिन उन सब के बीच में अगर हम थोड़ा भी आइडिया लगाए तो अपनी सुसाइड स्क्वाड वाली भी बंदी है, तो क्या डीसी स्नाइडरवर्स को रिस्टोर करेगा जो कि उसने पहले किया है? मुझे तो लगता है, क्योंकि जैक स्नाइडर ऐसा बंदा है जो कि अगर उसे बुलाया जाए तो अच्छी तरह से कोई भी काम करेगा। और पिछले दिनों में जो कुछ भी जैक स्नाइडर ने पोस्ट किया है उन सब के बीच में तो यही पता चल रहा है कि अपना स्नाइडर वर्स रिस्टोर हो चुका है, और हमें बाद में देखने के लिए मिल सकता है ब्लैक एडम और सुपरमैन मूवी। लेकिन उससे पहले आएगी शज़ाम 2, शज़ाम 3, ब्लैक एडम 2, और बाद में मैन ऑफ स्टील 2, और इन सब के बीच में ही सेटअप किया जाएगा सुपरमैन और ब्लैक एडम को। मुझे तो यही लगता है। आप डीसी आगे कैसे बढ़ता है इन सब के बीच में तो मैं पढ़ने वाला नहीं हूँ, और आपके इस सब के बीच में क्या ओपिनियन है इन सबको कमेंट करके जरूर बताना, और मूवी आपको कैसी लगी इन सब की विचार भी आपकी कमेंट करके जरूर बताना। तो बस आज की वीडियो इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आता है वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर दो, और उसके बाद वाला घंटा है ना उसे दबा दो, ऑल पर कर दो, वीडियो शेयर करो। तो बस मिल जाए लड़ में, तब तक लिए बाय बाय।